बेगम आज पता नहीं क्या हो गया, हमारे कान में बहुत दर्द हो रहा है। हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही होगा मियाँ। या अल्लाह बेगम, हमने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी? आप कहती है ये कीजिए हम ये करते हैं, आप कहती वो कीजिए हम वो करते हैं, अब क्या करें बेगम, अपनी जान ही दे दें हम। जी मियाँ। हैं? हमारा मतलब है जी मियाँ, आप सारी बातें मानते हैं लेकिन जो काम की बात होते हैं वो सुनते हैं आप? बेगम कौन सी आपकी काम की बात हमने नहीं सुनी, बताइए जरा। हमने आपसे कहा था ना पिछले हफ्ते सोने के झुमके ले आइए, आप लाए। ठीक है, जब सोना सस्ता होगा तो लेके आ जाएंगे। हैं? ठीक है बेगम, अभी तो फिलहाल हमारे कान में दवाई डाल दीजिए ना। अच्छा, अम्मी जान से डलवा लीजिए। बेगम सुनिए सुनिए ना, हाँ तो डलवा लेंगे अम्मी जान से हम। ए, हमारे जमाने में तो जफर बेटा। अम्मी जान अब ये मत कहिए कि आपके जमाने में कान में दर्द ही नहीं होता था। होता था ना, दर्द होता था, पर हम लोग दवा नहीं डालते थे, हम गरम तेल करके डाला करते थे, एक मिनट में सारा दर्द गायब। एक मिनट में? हाँ। तो अम्मी जान वो डालिए ना। अच्छा रुकिए एक मिनट। हाँ। वो डालते हैं, इसको निकाल देते हैं। लाइए कान पास लाइए। और बेटा जब तेल डालेंगे ना तो हम नाम 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 करके मुंह चलाइएगा, तेल अंदर तक चला जाएगा बेटा। हो गया? सो गया? नहीं नहीं सोए नहीं अम्मी जान, वो आंखें बंद करके ऐसे बैठे हुए थे। अरे हम कह रहे हैं हो गया क्या? सो गया अम्मी जान, फिर कह रही हैं आप सो गया, आंखें खुली हुई है, कहां से सो जाएंगे। हो गया। अच्छा हो गया? हाँ हो गया हो गया, लेकिन अम्मी जान इतना तेज क्यों चिल्ला रही है, हम बहरे थोड़ी हैं। अब ऐसी रखनी है गर्दन? हाँ मुँह चलाते रहो। वाह ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सबीना, मुबारक हो, आप अम्मी बनने वाली हैं और हम मौसी। रुकिए हम ये खुशखबरी अभी आपके बहनोई साहब को सुनाते हैं, आप फोन रखिए, हम आपसे बाद में गुफ्तगू करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। मियां एक खुशखबरी है। छतरी? छतरी का क्या करेंगी बेगम, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही। छतरी नहीं खुशखबरी है मियां। हैं? मियां एक खुशखबरी है। अच्छा अच्छा खुशखबरी है। मियां हम बताना चाहते थे कि सबीना अम्मी बनने वाली है। सकीना अम्मी बनने वाली है। हम फिर से बाप बनने वाले हैं, अगर आज अब्बू होते तो कितना खुश होते ये सुनकर। अब्बू मेरे को क्या बात कर रही है आपने, मैं पहले क्यों नहीं बताया? मियां हमें खुदा भी पता चला है। खता? नहीं नहीं बेगम, ये तो बहुत खूबसूरत खता है। खता नहीं मियां, पता चला है, हम कह रहे हैं हमें खुदा भी पता चला है। हैं? अभी पता चला है मियां। अच्छा अच्छा अभी पता चला है। अभी आपकी साली साहिबा का फोन आया था। गालिब साहब का फोन आया? बेगम उनको तो अल्लाह को प्यारे हुए कई साल हो गए, उनका फोन कैसे आया आपके पास? या खुदा मियां गालिब साहब नहीं, आपकी साली साहिबा का फोन आया था। फोन? माफ कीजिए बेगम, जरा अराउंड द विकेट आके बॉलिंग डाली है। हमारा मतलब है कि इस कान के पास आके बोलिए, क्या है कि इस कान में अम्मी जान ने गर्म तेल डाला ना, उसके बाद कान के पर्दे निस्तनाबूत हो गए, इधर आके बोलिए। आपकी साली साहिबा का फोन आया था। बेगम ये वाला कान हमारा एकदम दुरुस्त है, इसमें इतना तेज मत चिल्लाइए। अच्छा साली साहब का फोन आया था, लेकिन उनको कैसे पता चला? मियां सैंपल लेके डॉक्टर के पास तो वही गई थी ना, डॉक्टर ने उनको बताया। अच्छा अच्छा हाँ हाँ फिर तो सही है, उन्हीं को पता चलना चाहिए, लेकिन बेगम आप अभी कुछ इशारा तो करती हैं। मियां हम कैसे इशारा करते हैं, हमें खुद इस बात का इल्म नहीं था। हैं? हमें खुद इस बात का इल्म नहीं था। बेगम थोड़ा तेज बोलिए, क्या है कि इस कान का तेल ना इस कान में आ रहा है। अच्छा इल्म नहीं था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बेगम खुशखबरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेगम एक दिक्कत है, दो पहले से हैं, अब ये तीसरा मेहमान आएगा तो लोग क्या कहेंगे। हैं मियां इसमें हम क्या कर सकते हैं? है? इसमें हम क्या कर सकते हैं मियां,
हाँ, जो हम कर सकते थे वो तो हमने किया ना भाई। अब इसमें हमने क्या किया? ये खुशखबरी हम बाकी के हवेली के लोगों को कैसे बताएंगे? लेकिन मैं हवेली में क्यों बताना है? अम्मा कैसी बातें कर रही है बेगम, इतनी बड़ी खुशखबरी हम कैसे छुपाए बेगम? अम्मा मिश्रा जी अगर 2 किलो कद्दू भी लाते हैं तो 1 किलो लड्डू बांट के बताते हैं कि हम 2 किलो कद्दू लेके आए हैं। हाँ वो तो है मियाँ, लेकिन आप सबको बताएंगे तो सब आपसे दावत लेंगे ना, फिर आपका 1000-2000 का फिजूल में खर्चा भी हो जाएगा। 1000-2000 का फिजूल में खर्चा हो जाएगा मियाँ। हाँ ये तो है बेगम, तो ठीक है अभी किसी को नहीं बताते, लेकिन बेगम इधर आइए। अरे बेगम आराम से, हम बहुत खुश है बेगम, बहुत खुश है, अभी हम चलते। कमाल है, हमारी बहन सबीना पेट से है, हम ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं? हम तो सर भी घूम गया। ठीक हो गए, अब जल्दी से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। सुनिए सुनिए जनाब, एक बहुत यार पहले तुम सुनो, बिल्कुल आज बहुत दिन बाद नहाए धोए लग रहे हो, हाथ धो लो केवल और 2 चाय बना दो मेरी, चीनी रोक के अदरक झोंक के इसकी जैसी इच्छा वैसी। हम यह बना देंगे ना चाय, बाद में बना देंगे, लेकिन बाद में छोंकिएगा, पहले गर्मा गर्म चाय मारिए हमारे मुंह पे। बिट्टू भैया आप लोगों को एक बात पता है क्या? कहा बे, क्या गौतम गंभीर से गंभीर मामला कोई उठा लाए हो क्या? अमा नहीं, गंभीर बात नहीं है, खुशी की बात है। खुशी? नया मेहमान आने वाला है। या अल्लाह, यहाँ तो हमसे पहले ही खबर पहुँच चुकी है, लेकिन बेगम तो कह रही थी कि सिर्फ हमको पता है। नया मेहमान कौन, किसको फंसा लिया भैया? अरे एकदम लाल हो रहे। बिट्टू भैया हमारे जो ममेरे भाई थे गिरधर गोपाल, वो बाप बनने वाले। अरे लेकिन उनके तो पहले से 2 थे ना। हाँ हाँ, तीसरा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको चाचा बनने की हम बधाई दें कि गिरधर गोपाल के घर जाएं और भाभी से कहें भाभी अब मान जाओ बस करो। अबे जब पहले 2 बच्चे थे तो ये 3rd एम्पायर लाने की कौन जरूरत? अब बड़े उससे बता रहे हो खुशी का मामला है, इडियट कहीं के, ये खुशी का मामला है? अब तो हम थोड़े ही किए कुछ। अरे भाई सरकार क्या क्या कर रही है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। क्यों मिर्जा? क्यों मिर्जा, क्या तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। इनको बड़ी जानकारी है। अरे इनको क्या जानकारी यार, पूरे मोहल्ले को जानकारी है। भाभी जब रेल लेके निकलती देखते नहीं क्या मोहल्ले वाले? तुमसे सरकार नहीं कह रहा है कि मिश्रा जी मान जाओ अब? अरे तब सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा था और तब इतनी जनसंख्या भी नहीं थी। अच्छा, इसलिए आप जनसंख्या बढ़ाने के लिए तुम्हारे कान में सरकार कहती कि मिश्रा बस रुक जाओ है? भाई मामला गंभीर है, सरकार से हम कहेंगे कि कोई ठोस कदम उठाए, धरना देंगे। क्यों मिर्जा भाईजान, सही है ना? हाँ मतलब सही है, जब 2 थे तो तीसरे की जरूरत क्या थी, लेकिन एक ही तो है मियाँ। अबे की से क्या होता है यार, ये कोई बात भाई बेवकूफों वाली बात कर रहे हो कि? अबे हम तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को खूंटे में बांध के रखो घर के बाहर, पूरा देखे दुनिया की ये हैं आबादी देश की बढ़ाने वाले। तो एक बात बताएं, बुरा ना मानना और मानना तो मान जाना, जो कर पाना कर लेना। तुम्हारे अगर गिरधर गोपाल भैया हमको कहीं मिल गए ना तो ये तीसरा लौंडा करने के उपलक्ष में 4-5 घंटा भुसड़ देंगे उनके, समझे? क्यों मिर्जा? क्या है क्यों मिर्जा लगा रखा है? जाइए यहाँ से, दुकानदारी का वक्त हो गया, सीट घेर के बैठे, जाइए उठिए। अबे ये बैठे काम तो बना रहे हो अपना, लेकिन एक चीज याद रखना, बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। बात कहें बिट्टू भैया? कहो। अब आप शादी कर ही लीजिए, जिट्ठो फ्रस्टुआए घुमा करते हैं। हमारे बच्चे गिना रहे हैं। हमको यहाँ ही नहीं है। या अल्लाह, हमें इतनी बड़ी खुशखबरी है लेकिन हम किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें, किसी को बताना तो जरूरी है, अगर बात को अंदर रखेंगे तो हमारा पेट दर्द और बढ़ जाएगा। या अल्लाह हमको बता दीजिए ना, कहाँ पेट में दर्द पैदा कर रहे हैं
अरे आपके अपने हैं हम। भाई साहब नहीं नहीं टाइम नहीं है। सुनिए सुनिए खुशखबर। नहीं 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 यार भाभी जान जी आदा हम बाप बनने वाले हैं। तो हमें क्यों बता रहे हैं? नहीं नहीं देखिए बात दरअसल ये है कि ये खुशखबरी हम किसी को बता ही नहीं पा रहे इसलिए आपको बता के अपना मन हल्का कर रहे हैं। देखिए अगर आगे चल के कभी आप भी माँ बने और किसी को ना बता पाए तो हमारी दुकान सामने है चाय वाली, आप वहाँ पे आके हमें बेचक बता सकते हैं। ना स्वीटे हम ऐसी माँ क्यों बने कि किसी को बता नहीं पाए? थप्पड़ मार दिया। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम इन्हें बताकर हमारा मन तो हल्का हो गया। मम्मी जान के भी तो बता सकते थे। लाहौल वाला कुवत, अगर ऐसे ही चलता रहा ना जफर बेटा तो एक दिन आप अपनी खुद की क्रिकेट टीम खड़ी कर लेंगे। मम्मी जान क्रिकेट का छोड़िए ना, ये जो लूडो की टीम तैयार होने वाली है इसका खैर मद्दम करते हैं ना। ये बात भी सही है, अब जो आ रहा है हमें उसके आने के लिए खुशियां तो मनानी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप जब कल दुकान से घर वापसी कीजिएगा ना तो थोड़ी सी मेवा लेते आइएगा, बस बादाम काजू छुआरा पिस्ता, और हाँ गोंद तो जरूर से लाइएगा, भूलिएगा नहीं। सकीना बेगम को गोंद के लड्डू बना के खिलाने। हाँ लेकिन अम्मी जान ये कितना कितना लाना है, 200 ग्राम लिया है 250 ग्राम? अरे हाय नामाकुल, अरे हम नवाब खानदान से हैं, कुछ तो शर्म कीजिए, बस थोड़ा ही सा तो मंगाया है, एक एक किलो लाइएगा बस। एक एक किलो? हाँ। अम्मी जान देखिए थोड़ा संभल कर, क्या है कि दो हो गए हैं तीसरा आ रहा है तो थोड़ा बजट गड़बड़ा रहा है। या अल्लाह, जब तीसरा ला रहे थे दुनिया में तब बजट के बारे में नहीं सोचा था मियां। अच्छा ठीक है ले आएंगे, लेकिन अम्मी जान आप ये बात किसी को मत बताइएगा, हमें खामखा हमारी बेइज्जती होगी वरना। ये लो, इसमें बेइज्जती की कौन सी बात है, ये तो खुशी की बात है तो सबको बतानी चाहिए। हम जा रहे हैं अपनी सकीना बेगम का माथा चूमने। हाँ अम्मी जान वो सो रही होंगी अभी। अरे कोई बात नहीं, हम सोते में ही माथा चूम लेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सुनिए ना मत बताइए ना ना ना, हम तो जाएंगे। ये हम क्या सुन रहे हैं कि अम्मी जान माँ बनने वाली है? नहीं नहीं नहीं, सकीना के लिए कहा होगा कि सकीना फिर से माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी जाके हम मिश्रा जी को सुना के आते हैं। मियाँ नहीं मियाँ की अम्मी। अम्मी जान आप यहाँ इस वक्त? लेटी रहो आराम करो, उठने की जरूरत नहीं है सकीना बेगम, लेटी रहिए। आप सारा दिन काम करके इतना थक जाती हैं, अब आपको थकने की नहीं आराम की जरूरत है सकीना बेटा, आराम कीजिए। हाँ वैसे अम्मी जान हम थक तो जाते हैं, देखिए ना घर में इतने सारे वो हैं। वो क्या? वो है ना इतने सारे बड़े बड़े छोटे 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 बर्तन। नहीं नहीं अम्मी जान आपके जैसे छोटे बड़े बड़े छोटे वो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं अम्मी जान? मेमना। मेमरान, इतने सारे मेमरान हैं, हम तो काम कर करके थक जाते हैं। अब देखिए इतना काम होता है, सुबह से लेकर रात तक हम काम ही तो करते हैं ना। बहुत थक तो आप बहुत जाती हैं, बहुत सारा काम है आपके पास, इसीलिए अब काम करने की जरूरत नहीं है, अब आपको आराम की जरूरत है। आराम कीजिए आराम कीजिए। पर हम आपसे एक बात से बेहद नाराज हैं सकीना बेटा। क्या हुआ अम्मी जान, हमसे ऐसी क्या खता हो गई जो आप नाराज हो गए? वो ये कि अगर इतनी बड़ी ये खुशखबरी हम जफर के बजाय आपके मुंह से सुनते तो हमें ज्यादा खुशी होती। अम्मी जान उसमें बताने वाली कौन सी बात है? लाहौल वाला कुवत, इसमें बताने वाली बात नहीं है, बताने वाली ही बात है।
अरे हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनते ही चारों तरफ बात फैल जाती थी, सबको बताते थे, और हम सबको बताएंगे, पूरे समाज में बताएंगे, सारे लोगों को बताएंगे। अम्मी जान आपसे इतनी सी इंतजा है, आप अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाइए ना, हम खुद सबको बताएंगे। हाँ जो ठीक है, आपकी खातिर हम रुक जाते हैं, आप कह रही हैं तो नहीं बताएंगे कुछ वक्त। अभी आप आराम कीजिए, आराम कीजिए सकीना बेटा, आराम कीजिए। मैं सदके जाऊं, अल्लाह आपको सारी बलाओं से बचाए। अरे सकीना, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। भाभी आपको भी पता चल गया? लो फिर और सुन लो। अरे इसमें पता क्या चल रहा, ऐसी बातें कोई छुपती थोड़ी है। अरे बस मुंह से निकलने की देर है, फैल जाती है सारे लोगों में। जरूर अम्मी जान ने इन्हें बताया होगा, ये अम्मी के पेट में भी ना एक बात नहीं पचती है। मना किया था हमने लेकिन फिर भी। तुमने कुछ कहा ना? नहीं नहीं तो। तो फिर क्या सोच रही हो? नहीं भाभी ऐसे ही बस। अरे लाओ कपड़े हम डाल देते हैं, लाओ हमको दे दो। भाभी लेकिन बॉर्डर। लो फिर और सुन लो। अरे बीच में बॉर्डर है ये तो हमको भी पता है, लेकिन हम अपनी तरफ सुखाने की बात कर रहे हैं ना। सुखा भी देंगे और शाम को तुमको वापस कर भी देंगे। लाओ। क्या बात है, आज तो शांति भाभी हम पर ज्यादा ही मेहरबान लग रही हैं। लिख लीजिए। अरे कुछ काम मिर्जा भाई जान से भी करवा लिया करो। भाभी कपड़े उन्होंने ही धोए थे, बस हम तो सुखाने आए थे। वैसे देखते हैं मियाँ ने खाना बनाया कि नहीं, आजकल बड़े लापरवाह हो गए हम आते हैं। इनको देखो जरा, तीसरे बच्चे की अम्मा बनने वाली है लेकिन दिमाग से अभी तक बच्ची ही है, बिल्कुल बच्ची। भाग के जा रही। धड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बड़े बड़े के, छोरा जो भड़के दिल मेरा धड़के, जवानी का सताए बड़े बड़े के, छोरा जो भड़के दिल मेरा धड़के, जवानी का सताए बड़े बड़े के। अरे मिर्जा मुबारक हो, मुबारक हो। अबे मिर्जा, वाह भाई वाह, आखिर तुम बनी ही गए। मम्मीया क्या बात कर रहे हैं, हमको समझे नहीं आप हमें क्या बना रहे हैं रातों रात। देखिए ना ही हम किसी इलेक्शन में खड़े हुए हैं और ना ही कोई नेता और मंत्री बने हैं। अरे मिर्जा ये अंतरी मंत्री नेता वेता बहुत मामूली बात है, हमारा मतलब है जो तुम बने हो ना इन सबसे कहीं ऊपर है। मिश्रा जी हमने एक चीज देखी है, तुम्हारी जो आदत है ना बात को लंबा खींचने की है, तुमसे जल्दी सलमान खान अपने शो का विनर घोषित कर देता, लेकिन इनकी लबेड़ फैलाने वाली। अबे सीधे मुद्दे पे आओ यार। ये बता रहे बिट्टू भैया बता रहे, दो मिनट सबर करो। अच्छा चलिए हम बता देते। हाँ। मिर्जा भाई जान छुपा रहे थे, हाँ बाप बनने वाले, मिठाई नहीं खिलाएंगे। या अल्लाह इनको भी पता चल गया, ओहो अब ये सब हमको सुनाएंगे। या अल्लाह हमेशा टोपा पंती वाली बात करोगे, झोला छाप डॉक्टर वैसे झोला छाप पत्रकार हो तुम। तुमको अच्छी तरह पता है कि बिट्टू भैया को मीठा मना किया है डॉक्टर कूड़े ने, तुम क्या चाहते हो, भतीजे के आने से पहले चाचा की फोटो टंग जाए। अच्छा अच्छा ये सब बात तो ठीक है, अब बढ़िया से दो दो प्लेट समोसा और पकोड़ा मंगाइए और चाय बनवाइए ताकि पी के मजा आ जाए। मिश्रा जी के बाप की कसम खाक कह रहे हैं, ये भाई जी देखने में चाहे जैसा बना हो लेकिन बुद्धि का लौंडा तेज है, काम बुद्धि की करी। अबे आसिक जाओ 500 रुपए के पकौड़ी कचौड़ी समोसा जो गरम बन रहा हो ले आना, और कह देना बिट्टू भैया ने कहा है कि खट्टी मीठी चटनी ज्यादा ज्यादा दे। 20 रुपए 250 के ला, 250 के ला ना। ये किताब कुछ अच्छी लग रही है, ये सबीना को भिजवा देंगे। हर बार बच्चे पैदा करती हैं और भूल जाती हैं कि ऐसे वक्त पर क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। अरे
क्या हुआ आप दोनों को? अम्मी जान, हमने सुना है कि हमारा कोई नया भाई आने वाला है। भाई नहीं, बहन, बहन चाहिए। और अम्मी जान, हम उसके साथ खूब खेलेंगे। अरे तो हम कौन सा उसके साथ कुश्ती लड़ेंगे? अरे हम भी तो खेलेंगे। नहीं, आप बहुत लड़ाई करते हैं। और आप तो पहले हमारे खिलौने भी तोड़ दिया करते थे। जब वो आएगी ना, वो ऐसा नहीं करेगी। देखिए अम्मी जान, आप भाई लड़िए। नहीं नहीं अम्मी जान, बहन। भाई, बहन, भाई, बहन, भाई, बहन। अरे ये तो आपकी खाला जान तय करेगी ना कि क्या आएगा। खाला क्यों तय करेंगी? तो कौन तय करेगा? आप। हम क्यों करेंगे? अच्छा, तो ज्यादा जबान मत लड़ाइए, जाके कपड़े बदलिए। पढ़िए पढ़िए, इस तरह की किताब आपको पढ़नी भी चाहिए बेगम। लेकिन आप दुकान से अभी कैसे आ गए? अरे बस थोड़े वक्त के लिए आए हैं, अभी दोबारा जाना है। ये देखिए। अरे वाह, गिफ्ट। आपके लिए ये है और ये देखिए। लेकिन मियां, अभी से क्या जरूरत है बच्चे के लिए लाने की? कैसी बातें कर रही हैं बेगम, नया मेहमान आने वाला है तो उसका इस्तकबाल तो एकदम शानदार होना चाहिए ना। अच्छा बेगम, अभी हम चलते हैं। क्या है कि दुकान पे आशिक बैठा है, उसके हाथों ज्यादा देर दुकान छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, ये रखिए। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, सबीना पेट से तो मियां इतने क्यों फुदक रहे हैं? कभी वो कहावत सच तो नहीं होने वाली, सारी आधी घर वाली? कुछ तो चक्कर जरूर है।